ये देखो, जब ये बिल्ले ऐसे करते हैं ना, ये वाला एक्शन, ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। आइए मैक्स की लड़ाई देखते हैं बाहर के बिल्ले के साथ। ये गांव में एक बिल्ला कहीं बाहर से आया था और मैक्स उस पर बहुत सख्त गुस्सा कर रहा है। तो सुनते हैं मैक्स की आवाज़ें। ये अगर खुला होता है जिसमें बचना तो यहाँ पे आपने देखी कि मैक्स कितना ज़्यादा गुस्से वाला। अगर ये खुला हो तो इस बिल्ले को बहुत मारता। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सेकेंड और थर्ड डे का व्लॉग। तो यहाँ पे जी सेकेंड डे हम आए थे मेरी जो बड़ी नंद है उनकी तरफ, और यहाँ पे जी हमारे लिए खाना बन रहा है। मैक्रोनी बनाई है इन्होंने, चिकन वगैरह चावल वगैरह बनाए हैं। तो अभी हम खाना खाने के बाद जी शाम को गए हम पार्क रात को। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ना वो मर्द हजरात बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग बस थोड़ी देर बच्चों को लेकर गए थे कि थोड़ा सा इंजॉय कर लें। फिर हम वापसी पर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिस्पी से फिंगर चिप्स खाए, बहुत मज़ा आया। अभी ईद के थर्ड डे तीसरे दिन जो है हम जा रहे हैं अपनी दूसरी नंदों की तरफ। वहाँ पे जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, इंजॉय करेंगे। फिर हम लोग जी है अपने घर वापस जाएंगे और वहाँ से फिर अगले दिन हमने रावलपिंडी जाना है। तो बच्चे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। मैंने कहा चलें जी आप भी अपनी थोड़ी सी जो है ना व्यूअर्स को दिखाओ कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पर अभी रास्ते में हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ। तो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी नहर है जो इनके घर के पास से गुजरती है, बल्कि दरिया है ये, दरियाए जहलम ही है जो कि मतलब यहाँ से जो है ना गुज़र के जाता है इनके गाँव की तरफ से। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं और एक छोटा सा बाड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने भैंसें और गाय वगैरह यहाँ पे बांधी हुई हैं अपनी, और आगे जो है ना इन्होंने बकरियाँ भी रखी हुई हैं, आपको दिखाते हैं अभी। तो मैं दूर दूर से इनका व्लॉग बना रही थी, मुझे तो बहुत डर लगता है इन भैंसों से, मैं दूर दूर से ही बनाती हूँ। तो आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं इनकी बकरियाँ भी हैं, वो भी बाड़े में ही हैं। गाँव का माहौल भी अपना एक जो है, वहाँ का भी अपना एक मज़ा होता है, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम लोग फिर आते हैं दो तीन दिन जब ईद के लिए, तो सबके घरों में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, एक दूसरे से मिलते हैं सब। दावतें वगैरह होती हैं सबकी तरफ, और फिर आते वक्त हम सबको दावत देते हैं कि आप लोग रावलपिंडी भी आए हमारे साथ। तो जी अभी लंच टाइम है, लंच करेंगे, इसके बाद हम अपने घर को जाएँगे। तो मज़े का लंच था बहुत ही अच्छा जी। आज जो है ना अभी नेक्स्ट डे हम लोग जो है जा रहे हैं वापस रावलपिंडी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके थे, यहाँ पे अठड्डी बैराज के नाम से एक जगह है। तो ये जो है नहर है यहाँ पे बड़ी सी, तो थोड़ी सी गर्मी थी तो हम लोग जाते आते यहाँ पे ज़रूर स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हैंडपम्प्स लगे हुए तो काफ़ी ठंडा पानी होता है, ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से निकाला है। तो बच्चे ज़िद करते हैं कि मम्मा यहाँ से पानी जो है ना हमने भरना है बॉटल्स में और पीना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बस रुके हैं, इसके बाद हम जाएंगे रावलपिंडी। तो जी हम रावलपिंडी पहुँचने वाले हैं और आपके साथ हमने रावलपिंडी के व्लॉग्स भी शेयर करने हैं, क्योंकि हमारे घर फिर सब आए मेहमान गाँव से भी मेरी नंदे, तो उनको हम घुमाने फिराने लेकर गए हैं। खानपुर डैम गए थे, इसके अलावा लेक व्यू पार्क गए थे। तो आपके साथ हम नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।